हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हर्षित। सो आज हम बात करने वाले हमारे खीरगंगा ट्रैक के बारे में। बहुत ही ज़्यादा प्यारा ट्रैक है, बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चार टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ट्रैक की तरफ, सेकेंड हम बात करेंगे हमारे स्टे की तरफ, थर्ड हम बात करेंगे हमारे ट्रैवल की तरफ, एंड लास्ट में हम फोर्थ में बात करेंगे हमारे बजट की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम करते हैं शुरू। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रैक की तरफ। बहुत ही प्यारा ट्रैक है खीरगंगा ट्रैक। ये हमारे दो दिन का ट्रैक होता है और ये हमारा बरसैनी एक गांव है, विलेज है। कसौल से लगभग 1-1.5 घंटा लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो इस ट्रैक को करने के लिए वैसे तो हमारे तीन रूट होते हैं, दो हमारे बरसैनी से स्टार्ट होते हैं एंड तीसरा हमारा तोश से स्टार्ट होता है। क्योंकि तोश मैंने अभी तक नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और तोश वो लोग करते हैं जो एक नाइट स्टे हमारा तोश में करते हैं। तो नॉर्मली लोग यही दो प्रीफर करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारे दो ट्रैक रूट है। एक हमारा जंगल से होता हुआ जाता है, पहले एक डैम पड़ेगा स्टार्टिंग में, आप डैम को क्रॉस करोगे एंड देन आपका पूरा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो दूसरा ट्रैक है वो हमारा गांव से होता हुआ जाता है, बीच में 2-3 गांव पड़ते हैं और वहां से होता हुआ आपका जाता है। तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, अगर आप जा रहे हो तो जाने के लिए आप जंगल वाला रास्ता यूज़ करें। उससे क्या होता है कि पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको आराम से छाव में आप ऊपर तक पहुंच जाओगे और आप डिहाइड्रेट नहीं होगे, ठीक है। और दूसरा, जब आप वहां से लौट के आ रहे होगे तो आप गांव वाले रास्ते से आ सकते हो, क्योंकि आप पूरा इन्जॉयमेंट कर चुके हो, बस आपको नीचे तक आना है। तो आप काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट कर सकते हो वहां पे। और जब आप गांव वाले रास्ते से आते हैं तो बहुत ज़्यादा एप्पल के पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े बगीचे मिलते हैं। तो आप जो गांव में लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके आप वो सेब भी खा सकते हैं। हमने तो लगभग 5-10 किलो सेब खाए थे, हम 2-3 लोग गए थे। इतना टेस्टी सेब था ना, मतलब पेड़ से तोड़ो हाथ हाथ और खा लो गपा गप गपा गप, ठीक है। सो आप जाइए जंगल वाले रास्ते से, और आने के लिए आप करिए हमारा गांव वाला रास्ता जो मैं आपके लिए प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं हमारा कितने घंटे का ये ट्रैक होता है। नॉर्मली ये हमारा बरसैनी से स्टार्ट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये मैं अभी आपको बताता हूँ बरसैनी तक आपको कैसे पहुँचना है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। वो हम जब ट्रैवल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, हमारा बरसैनी से स्टार्ट होता है, लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। बीच बीच में आपको 2-3 ब्रिजेस मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे व्यू आने वाले हैं वहाँ से। आप नॉर्मली वहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम अपना इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली 6-7 घंटे का ट्रैक करके पहुँच जाएंगे ऊपर। ऊपर आराम से कैंप वैम्प अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कैंप होते हैं, कोई भी नॉर्मली स्टे की प्रॉब्लम नहीं आती। आप नॉर्मली आराम से वहाँ पर जाके रह सकते हैं। उसके क्या कॉस्ट होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उसके वहाँ पे गर्म कुंड है, आप वहाँ पे जाइए अपना कैंप वैम्प बुक कर लीजिए और फिर वहाँ पे जाइए आप नहाने। वो हमारा नॉर्मली 7 बजे से लेके शाम के जब तक दिन छिपता है वहाँ तक ये चलता है। आराम से आप जाइए नहाइए, यहाँ पे देखिए आपको फोटो भी दिख रही होगी, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास लेडीज़ हैं आपके साथ या गर्ल्स हैं जो भी है, तो उनके लिए अलग कुंड बना हुआ है। मतलब वैसे सेम है बट वहाँ पर डिवाइडेशन हो रखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग नहाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे ही आप 50 मीटर ऊपर जाएंगे वहाँ पे हमारा मंदिर है, आप वहाँ पे जाके दर्शन करिए। हम भी गए थे, काफ़ी अच्छा फील होता है, पीस फील होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से 50 से 100 मीटर आगे मतलब थोड़ा जंगल का रास्ता है, वहाँ पे कार्तिकेय की गुफा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कार्तिकेय की गुफा आपको दिख रही होगी। तो उसको करने के लिए मतलब आपको, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे, हम भी गए थे तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि एकदम से डेंस फॉरेस्ट आ गया था। तो हमने 2-3 बार सोचा चलो वापस चले आते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तभी जाइएगा वहाँ, वरना मत जाइएगा। वो अभी गुफा बंद है, बस एक डोर लगा हुआ, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। घूम घाम के ऊपर आप अपने कैंप में आ जाइए। वहाँ पे क्या होता है, मेन्यू सिस्टम भी होता है, बफे सिस्टम भी होता है। हमने क्या किया था, हमने एक टेंट ले लिया था 800 या 1000 रुपये का था, हम 3 लोग उसमें रुके हुए थे। और हमारा जो सिस्टम था वो मेन्यू सिस्टम था, लगभग 60-70 रुपये का परांठा मिलता है और 60 रुपये की ही मैगी मिलती है। उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क आते हैं नहीं आते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं और ड्यूरिंग द ट्रैक आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप वहाँ के जो लोकल फ़ोन्स होते हैं, PNT फ़ोन होते हैं, तो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। बट वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, लगभग 50 रुपये 1 मिनट का चार्ज करते हैं।
तो आप अवॉइड करिए, अगर आप जिसको भी आपको कॉल वगैरह करनी है तो आप ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही आप कर लीजिए, क्योंकि ऊपर जाके नेटवर्क नहीं आते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं ये किस सीज़न में क्लोज रहता है। तो ये हमारा ड्यूरिंग दी विंटर्स क्लोज रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खीरगंगा ट्रैक हमारा विंटर्स में क्लोज रहता है। तो एक बार हम गए थे लगभग फरवरी के महीने में गए थे, तो हमारा खीरगंगा ट्रैक बंद था, तो हमने क्या कहा था बरसेनी से हम तोश के लिए, वैसे तो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं बट उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, तो गाड़ी को ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने तोश तक के लिए ट्रैक किया था। वो उसकी फोटेजेस मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो अगर तोश में ही इतनी बर्फ़ है तो ऊपर तो जाना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप जाइएगा, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जाइएगा। मार्च मेरे हिसाब से एक अच्छा सीज़न है, और बाद में आप सितंबर अक्टूबर में भी नवंबर तक जा सकते हैं, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, स्टे की तरफ। नॉर्मली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कसौल में रुकेंगे। कसौल में क्या होता है, होटल भी अवेलेबल है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, एंड कैंप्स भी अवेलेबल है। कैंप नॉर्मली जब हम रुके थे तो हमने 500 रुपये पर कैंप के हिसाब से लिया था, नहीं सॉरी 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने कैंप लिया था, बट उसमें खाना अलग था, ठीक है, तो कैंप वहाँ पे थोड़ा महंगे हैं, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। नॉर्मली होटल आपको 1000-1200 रुपये मिल जाएगा। जब हम सेकंड टाइम गए थे तो हम होटल में रुके थे, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, तो ये हमारा रूम 1200 रुपये का था, हम चार लोग थे तो हम चारों लोग उसी में रुक गए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो नॉर्मली आपको 200-300 रुपये से आपके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हमारे कैफे की, वहाँ पे बहुत फेमस कैफे है, यहाँ पे स्टोर होगा तो आप उसके हिसाब से आप अपना टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। हम लोकल मार्केट भी इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे चीज़ें मिलती हैं खरीदने के लिए। कसौल से क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्स स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होंगे, तो इन सब के ऊपर भी वीडियो आने वाली है कि आप इन ट्रैक्स को कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं, तो आप चैनल को देखते रहिएगा। तो थर्ड हम बात कर लेते हैं अब हमारे ट्रैवल की तरफ। नॉर्मली आप क्या करेंगे, अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो नॉर्मली अपना सेल्फ घुमाइए 10-11 बजे यहाँ से रात को, और एकदम खींचम खाच नॉर्मली आप सुबह जाके कसौल रुक जाइए। बीच में अपने स्नैक्स वगैरह यहीं से ले लीजिए, जिससे कि आपको रात में रुकना ना पड़े लंबा, और आप नॉर्मली गाड़ी में ही अपना इंजॉय करते हैं। क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूँ तो मैं तो यही करता हूँ, 11-12 बजे हम स्टार्ट करते हैं और हमारा 12 बजे का चेक इन होता है नेक्स्ट डे का, तो हम लगभग 10-10:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप दिल्ली से बस ले लीजिए लेट नाइट, जो कि हमारा मनाली तक के लिए होती है, बट आपको क्या होता है बीच में भुंतर एक प्लेस आता है, ठीक है, काफ़ी फेमस प्लेस है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा अगर आप कसौल जाना चाहते हैं तो, ठीक है। भुंतर उतर के वहाँ से क्या होता है HRTC की बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, उससे भी आप जा सकते हैं, वो लगभग 100-150 रुपये लेती हैं और नॉर्मली अवेलेबल रहती हैं, लगभग 1 घंटे की उनकी फ्रिक्वेंसी रहती है, तो आपको भुंतर से लेके कसौल तक आप उससे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कैब का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहाँ से प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हैं, तो आप वहाँ से कसौल जा सकते हैं प्राइवेट कैब से, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कसौल पहुँच जाएंगे वहाँ पे अपना रात में स्टे वगैरह करिए। वहाँ से क्या है, लगभग 2-3 किलोमीटर पर मणिकरण गुरुद्वारा है, मैं बोलूँगा कि आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, मैं गया था, इतना अच्छा गुरुद्वारा और इतना अच्छा प्रसादा मिलता है वहाँ पे, आप जाइए वहाँ पे अपना टाइम एंजॉय करिए, वहाँ से प्रसादा भी खाइएगा, काफ़ी हेल्दी हाइजीन और काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। सो अपना आप वहाँ पे एंजॉय करिए, वहाँ पे भी एक गर्म कुंड है जहाँ पे आप नहा सकते हैं, तो आप मणिकरण जाइए। मणिकरण से क्या होता है, वहाँ से आपको कैब मिलती हैं बरसैनी के लिए, ठीक है, जो इधर से तो आपको 100 रुपये में ले जाएगी ऊपर तक बरसैनी तक, ठीक है, तो आप नॉर्मली बरसैनी पहुंच जाएंगे उसका अपना ट्रैक वगैरह करके। बट जब आप लौट के आ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है, यूनियन है, जाते टाइम तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगी बरसैनी तक जाने के लिए, बट लौटते टाइम क्या होता है आपको पूरी कैब ही बुक करनी पड़ती है, तो लगभग वो 1000 रुपये लेते हैं, तो अगर आप 2-3 लोग हो तो महंगा पड़ जाए। तो हमने क्या कहा था, हम भी 7-सीटर बुक करी थी, लगभग 1400-1500 रुपये की थी, हम 3 लोग थे, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप था 4-5 लोगों का, तो हम दोनों ने मिल के एक कैब हायर कर ली थी जिससे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ, बजट की तरफ। जब आप कसौल से लेकर भुंतर तक जा रहे होगे तो आपको मनाली तक के लिए बस हायर करनी पड़ेगी, तो वो लगभग 800-900 रुपये ले लेगी, तो 900 × 2 = 1800 रुपये आपका आने जाने का हो गया भुंतर तक, ठीक है। फिर वहाँ से 150 रुपये आप मान लीजिए भुंतर से लेकर कसौल तक, तो 300 रुपये आपका ये हो गया, तो 1800 × 300 = 2100 रुपये हो गया, ठीक है। नॉर्मली फिर आप 100 रुपये ऊपर देने जाओगे, ठीक है, तो लगभग ट्रैवल का आपका 2800 रुपये का खर्चा आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टे के बजट की। स्टे आपका लगभग मान लीजिए आपको
तीन दिन रुकना है तो 400 रुपये पर हेड एवरेज आ जाएगा आराम से। ये भी मतलब अच्छा होटल आपको 400 रुपये में मिल जाएगा, तो 1200 रुपये आपका ये हो गया। उसके बाद हम फूड की बात कर लेते हैं, 300 रुपये पर हेड से लगा लेते हैं, तीन दिन का 900 रुपये आपका ये हो गया। तो आपको मोटा मोटा खर्चा मतलब 5000 से 5500 रुपये में आपके पूरा ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।